सो हेलो गाइस, आ चुका हूँ मैं एक और नए वीडियो में और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको PHP का फोल्डर कैसे बनाना है। जैसे कि अपडेट आ चुका है, जैसे जब से अपडेट आया है PHP में तब से फोल्डर नहीं बन रहा, तो आपको सिंपल से क्या करना है, इधर ये देखो प्लस के साइन पर क्लिक करना है और ये क्रिएट पर दबाना है, क्रिएट पर क्लिक करना है और यहाँ पर न्यू फोल्डर पर क्लिक करना है और न्यू फोल्डर को सब कट करके इधर लगाना है PHP, आपको नाम दे देना है PHP। तो देखो जैसे कि मैंने नाम दे दिया और फिर PHP के जो फोल्डर आपने बनाया उस ये बन जाएगा, इसके अंदर जाना और इस पर फिर से क्रिएट, ये थ्री डॉट पर क्लिक करना, क्रिएट करना है वापस से आपको और फिर न्यू फोल्डर करना और यहाँ पर दे देना है आपको गेम। और एक बार जब ये बन जाएगा तो आपका सब हो चुका है काम। फिर आपने जो ISO फाइल एक्सट्रैक्ट किए, जो कि मतलब आपको PHP का फोल्डर नहीं मिला था, आपको सिंपल सा वो ISO फाइल जो इधर भी आपके है उधर जाने का है और इसको कट कर देना, जैसे कि इस पर लॉन्ग प्रेस करना और यहाँ पर कट का ऑप्शन आ जाएगा, इसको कट कर देना और डिवाइस मेमोरी पर चले जाके उसी फोल्डर पे PHP जो आपने बनाया उस पर जाके गेम पर क्लिक करना है और गेम पर यहाँ पर जाके एक्सट्रैक्ट कर देना है। और सिंपल अभी मैं आपको ओपन करके बताता हूँ आया है कि नहीं। तो देखो जैसे कि ये ओपन हो चुका है मेरा PHP ऐप और देखो इसमें ब्राउज पर क्लिक करना है, ब्राउज पर जाके जो देखो मेरा पहले गेम पे आ गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ Realme 6 पर आप, जैसे कि मेरा मोबाइल Realme 6 है, आपका मोबाइल का नाम आएगा और यहाँ पर उस फोल्डर में जाना है जो कि आपने बनाया PHP जिसका नाम है, PHP पर दबाना है और यहाँ पर गेम और यहाँ पर यूज दिस फोल्डर कर देना है, इसको अलाउ पर क्लिक करना और यस देखो आ गया आपका गेम। तो यही था आज की वीडियो में, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।